हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडल का लेटेस्ट स्मार्टफोन आइडल A50। आइडल लेके आया है मार्केट में बहुत ही सस्ता और अच्छा स्मार्टफोन आइडल A50। तो गाइज, आज इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं। सुनने में आया है कि इस फोन के अंदर हमें मिलने वाला है 12GB रैम, 64GB की स्टोरेज, साथ ही साथ में फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये वीडियो गाइज, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन फोन है आइडल A50। तो चलिए फटाफट से इस फोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा आइटल A50 का बॉक्स रेड कलर में, जहाँ पर हमें फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट लिखा हुआ मिलता है और बॉक्स के ऊपर A50 का लोगो है। नीचे 12GB रैम, 64GB की स्टोरेज लिखा हुआ है और बॉक्स के पीछे सभी कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। चलिए अभी बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट मिलता है। जब तक कि मैं बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ गाइज, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चारों ओर मैंने कट कर दिया है और यहाँ पर मैंने बॉक्स को जो अनबॉक्स कर लिया है। तो बॉक्स अनबॉक्स होते ही हमें पहले ही सेक्शन में मिलता है ये आइटल का स्मार्टफोन। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर अंदर हमें मिलता है एक बैक केस जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिया गया है, ब्लैक कलर में दिया गया है, ट्रांसपेरेंट नहीं दिया गया है गाइस। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर बैक केस मिलता है। कुछ यूज़र मैनुअल दिया गया है, एक 10W का यहाँ पर आपको चार्जिंग एडाप्टर दिया गया है गाइस। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर आपको चार्जिंग एडाप्टर मिलता है 10W का। टाइप ए टू टाइप सी की यहाँ पर केबल मिलती है और एक सिम इजेक्टर पेन यहाँ पर दिया गया है। तो यही सब आपको बॉक्स कंटेंट दिया गया है। चलिए एक नज़र डालते हैं फोन के लुक्स की ओर। गाइस, ये रहा आइटल A50 का लुक्स, कुछ इसी ब्लैक कलर में आता है। इसका दो कलर आता है, ब्लू और ब्लैक। आप बैक पैनल में देख सकते हैं ऑसम डिजाइन बाय आइटल लिखा हुआ मिलेगा और बैक पैनल काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग के साथ बनाया गया है गाइस। लाइटिंग के वजह से आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो निखर के आता है, काफ़ी अच्छा लुक्स यहाँ पर दिया गया है आइटल की तरफ से। बैक पैनल के ऊपर आप यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं, जहाँ पर आपको डुअल कैमरा और फ्लैश देखने को मिल जाएगा और कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर ग्लोसी रखा गया है गाइस। काफ़ी अच्छा लुक्स यहाँ पर दिया गया है और फोन के राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया गया है। नीचे स्पीकर टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और हेडफोन जैक आपको मिलेगा। फोन के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे दिया गया है, जहाँ पर डुअल सिम विथ मेमोरी आप अटैच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक्स के साथ ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च हुआ है गाइस, आइटल A50। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये फ़ोन है और हैंडी फ़ोन है, ज़्यादा वेट भी नहीं है। यहाँ बहुत ही लाइट वेट फ़ोन यहाँ पर बनाया गया है और बैक पैनल का लुक्स आप देख सकते हैं, बहुत ही गुड लुकिंग फ़ोन बनाया गया है आइटल की तरफ से। बात करते हैं फ़ोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिलता है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। वाटर ड्रॉप नोट्स मिलता है यहाँ पर और बेजल्स आप देख सकते हैं काफ़ी कम बेजल्स यहाँ पर रखे गए हैं। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है और जो रिफ्रेश रेट दिया गया है वो 90Hz की रिफ्रेश रेट आपको मिलती है, जिसकी वजह से फ़ोन का जो डिस्प्ले है काफ़ी स्मूथली काम करता है गाइस, आप देख सकते हैं। और कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया गया है डिस्प्ले का। काफ़ी कम बजट होने के बाद भी फ़ोन का जो डिस्प्ले का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा रखा गया है, ताकि कोई भी परचेस करे इस फ़ोन को तो उनको ये फ़ोन चलाने में काफ़ी अच्छा लगे और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा मिले। तो उसी को ध्यान रखते हुए डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी अच्छा रखा गया है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सेटिंग ये कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पर माई फोन लिखा हुआ है, जहाँ पर क्लिक करते हैं हमें सभी कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। आइटल बेस्ड एंड्रॉयड 14 यहाँ पर दिया गया है, प्रोसेसर यूनिसोक का T606 मिलता है, एंड्रॉयड वर्जन 14 मिलता है, रियर कैमरा 8MP और फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है, 4GB रैम है और साथ ही साथ में आप इसको 8GB तक और वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं, यानी कि टोटल आपको इस फोन के अंदर 12GB तक की रैम मिलती है और 64GB की स्टोरेज मिलती है। साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा मेमोरी भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। 5000 की MAH की बैटरी है और गाइज 10W की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है गाइज। बहुत ही अच्छे ऐसे फीचर्स इस फोन के अंदर दिए गए हैं, काफ़ी कम बजट वाला ये फ़ोन है। स्पेशल फंक्शन में आप देख सकते हैं डायनामिक बार यहाँ पर दिया गया है, जो कि आईफोन में पहली बार दिया गया था 50,000-60,000 के फ़ोन के अंदर शायद दिया गया था, तो वही फीचर्स आपको इसी फ़ोन के अंदर मिल जाएंगे।
5 से 6 हज़ार वाले इसी फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाले हैं गाइस। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इस फ़ोन के अंदर मिलने वाले हैं और काफ़ी कम बजट के अंदर ये फ़ोन लाया है आइटल के तरफ से। आपको इस फ़ोन का फीचर्स और लुक्स वगैरह कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं गाइस, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और जो रियर कैमरा है 8 मेगापिक्सल का काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पर पिक्चर क्लिक करता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक किया है जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छे से निखर के आता है। आप देख सकते हैं मैंने जूम किया है लेकिन कोई भी क्रैक वगैरह आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वालिटी फ़ोटो क्लिक करता है यहाँ पर, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। बहुत ही लो बजट फ़ोन होने के बाद भी कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा सभी कुछ मोड्स आपको इसी कैमरे के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस हर तरफ से ये फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है और बहुत ही लो बजट होने के बाद भी फ़ोन के फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। आपको इस फ़ोन के फीचर्स वगैरह कैसा लगा, लुक्स कैसा लगा सभी कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो गाइस परचेस कर सकते हैं। नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन बहुत ही बेहतरीन है आइटल A50। तो बात करते हैं प्राइस की, तो ये जो फ़ोन है 3GB 64GB वाला वेरियंट आपको मिलता है 5999 में, और जो 4GB 64GB वाला वेरियंट है वो आपको मिल जाएगा 6499 में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।